सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हंगामा। मैं हूं आमिर। इस वीडियो में हम आपको तीन बहुत ही जरूरी बातों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि यूपीटीयू में कितने क्वेश्चन सही होने पे आपका सिलेक्शन यूपीटीयू में हो जाता है, सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यूपीटीयू में कितने क्वेश्चन सही होने पे आपको यूपीटीयू में गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यूपीटीयू में कितने क्वेश्चन सही होने पे आपको एवरेज प्राइवेट टाइप के कॉलेज मिलते हैं, मतलब ऐसे कॉलेज जो कि मतलब ठीक ठाक होते हैं, एडमिशन लेने लायक होते हैं। तो इन्हीं तीनों के बारे में आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। और हाँ, अगर आप यूपीटीयू के टॉप कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, एमसीए कोर्स के लिए, एमबीए कोर्स के लिए, बीटेक, बीफार्मा, इन सभी कोर्सेज के लिए, तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी कई सारे अच्छे खासे वीडियो बनाए हुए हैं, जिस पर लगभग 40,000-50,000 अच्छे खासे व्यूज हैं। तो आप चाहें तो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूपीटीयू में कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसमें कितनी कितनी सीटें हैं, तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं आपके हर एक कोर्स के बारे में। तो आप चाहें तो उन सभी वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर वन और पेपर टू के बारे में। तो जैसा कि आपके पेपर वन में भी, पेपर टू में भी, दोनों पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, इस हिसाब से आपके टोटल 600 नंबर बनते हैं। खैर, हमें नंबर से नहीं लेना है, हमें क्वेश्चन से लेना है। तो देखिए, आपके पेपर वन में भी, पेपर टू में भी, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं और अगर आपके यूपीटीयू एग्जाम में आपका 38 क्वेश्चन सही है, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन यूपीटीयू में हो गया है। आपके 150 क्वेश्चन में से अगर 38 मतलब 38 क्वेश्चन सही हैं, 38 क्वेश्चन या फिर 38 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं आपके पूरे टोटल 150 क्वेश्चन में से जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, बीटेक, बीफार्मा में, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन यूपीटीयू में हो गया है। और वहीं पर अगर आप बीटेक, बीफार्मा कोर्स के लिए ही एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं और अगर आपका 30 क्वेश्चन या फिर 30 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन यूपीटीयू में हो चुका है। ध्यान दीजिए, ये जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ना कि जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 38 क्वेश्चन और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 30 क्वेश्चन, ये सिर्फ मतलब सिलेक्शन के लिए है। इतने क्वेश्चन सही होने पर सिर्फ आपका सिलेक्शन होगा, इतने क्वेश्चन सही होने पर आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। उसके लिए हम आगे आपको बता रहे हैं कि उसके लिए कितना क्वेश्चन चाहिए। खैर, ये तो हुआ सिलेक्शन के लिए आपके पेपर वन और पेपर टू के बारे में। अब हम आपको बताते हैं पेपर फोर, पेपर फाइव, पेपर सिक्स, पेपर सेवन, पेपर एट के बारे में। तो देखिए, अगर आप मतलब यूपीटीयू का एग्जाम दिए हुए हैं और उसमें अगर आपका पेपर फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, ये पांचों पेपर थे और अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो इसके लिए आपका 25 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर आपके यूपीटीयू में 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सही हो जाते हैं या फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन यूपीटीयू में हो गया है जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, इन पांचों पेपर के लिए। और वहीं पर अगर आप इन पांचों पेपर के लिए ही एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं और अगर आपका पूरे 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही हो जाता है या फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाता है, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन यूपीटीयू में हो गया है। तो ये रहा आपके सिलेक्शन के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मतलब पाने के लिए कितना क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, कितना क्वेश्चन आपका सही हो यूपीटीयू में, जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। तो इसमें सबसे पहले हम आपको फिर अगेन से बीटेक और बीफार्मा के बारे में बता रहे हैं, पेपर वन और पेपर टू के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, अगर आपका पेपर वन और पेपर टू था और उसमें आपका कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आपका 85 क्वेश्चन या फिर 85 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होता है, तो समझिए कि आपका यूपीटीयू में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। आपको यूपीटीयू में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आपका कोई भी कैटेगरी हो, पेपर वन और पेपर टू के लिए। और वहीं पे अगर आपका पेपर फोर, पेपर फाइव, पेपर सिक्स, पेपर सेवन, पेपर एट था, ये सभी पेपर था और अगर आप यूपीटीयू में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन या फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आपके यूपीटीयू के एग्जाम में 60 क्वेश्चन या फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं और अगर आप 4, 5, 6, 7, 8 इन सभी कैटेगरी से हैं और इसमें आपका कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो समझिए कि आपका हो गया है, आप यूपीटीयू में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये तो खैर हो गया गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, मतलब दूसरा पॉइंट। अब हम आपको बताते हैं कि कितने क्वेश्चन सही होने पे आपको एवरेज टाइप के कॉलेज मिलेंगे, मतलब एक प्राइवेट टाइप के कॉलेज मिलेंगे, ना तो गवर्नमेंट कॉलेज और ना ही बहुत लो लेवल के प्राइवेट कॉलेज, एक मीडियम टाइप का एवरेज कॉलेज, जो कि मतलब एडमिशन लेने के लिए ठीक ठाक रहता है। आप चाहें तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो उसमें सबसे पहले हम आपको फिर अगेन से बीटेक और बीफार्मा के बारे में बताते हैं, पेपर वन और पेपर टू के बारे में बताते हैं। तो इसमें अगेन फिर से आपका कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आपका 60 क्वेश्चन से लेके 85 क्वेश्चन के बीच में है, मतलब अगर
आंसर की आपने चेक किया हुआ है और जान गए हैं कि आपका कितना क्वेश्चन सही है आपके यूपीटीयू 2020 में, तो उसमें अगर 60 क्वेश्चन से लेकर 85 क्वेश्चन तक सही है आपके यूपीटीयू में, तो समझिए कि आपको एक एवरेज टाइप का प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, उसमें आपका एडमिशन हो सकता है और उसमें आपको अच्छा खासा ब्रांच भी मिल सकता है आपके बीटेक कोर्स के लिए। और वहीं पर अगर आपका पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 था और अगर आप यूपीटीयू में एक एवरेज प्राइवेट टाइप के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आपके यूपीटीयू में 40 से लेकर 60 क्वेश्चन के बीच में है, अगर 40 से लेकर 60 क्वेश्चन तक है, इतना क्वेश्चन आपके यूपीटीयू में सही है, तो समझिए कि आपको यूपीटीयू में एक एवरेज टाइप का प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है एडमिशन लेने लायक। आप चाहें तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसमें आपको अच्छा खासा ब्रांच भी मिल सकता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि यूपीटीयू में कितने कितने क्वेश्चन सही होने पर आपको किस किस तरह के कॉलेज मिलते हैं आपके अलग अलग कोर्सेज के लिए, आपके अलग अलग पेपर के लिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।